हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कॉमन वर्ड्स जिसका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जंचना, रंगना, झेलना, निपटाना या फिर बहना, बिताना, चमकाना, भिनभिनाना या फिर जंचना, औकात बिताना आदि। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है औकात। औकात, औकात को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस मीन्स औकात। जैसे कि तुम्हारी औकात क्या है, तो उसे हम बोलेंगे व्हाट इज़ योर स्टेटस। व्हाट इज़ योर स्टेटस, दैट मीन्स तुम्हारी औकात क्या है। नेक्स्ट वर्ड है बीतना। बीतना, जैसे कि समय बीत जाता है ना, तो बीतना को हम इंग्लिश बोलेंगे पास। पास, पास मीन्स बीतना। जैसे कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइम पासेस वेरी क्विकली, दैट मीन्स समय बहुत जल्दी बीत जाता है। नेक्स्ट वर्ड है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि। जैसे कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट। आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट, दैट मीन्स मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दिनचर्या। दिनचर्या, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रूटीन। रूटीन, रूटीन मीन्स दिनचर्या। जैसे कि यह मेरा रोज का दिनचर्या है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माई डेली रूटीन। दिस इज़ माई डेली रूटीन, दैट मीन्स यह मेरा रोज का दिनचर्या है। नेक्स्ट वर्ड है कमाना। कमाना, कमाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे अर्न। अर्न, अर्न मीन्स कमाना। जैसे कि तुम कितना कमाते हो, तो उसे हम इंग्लिश में मिलेंगे हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच डू यू अर्न, दैट मीन्स तुम कितना कमाते हो। नेक्स्ट वर्ड है बिताना। बिताना, दैट मीन्स समय बिताना। जैसे हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं ना, तो बिताना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेंड। स्पेंड, स्पेंड मीन्स बिताना। जैसे कि मैं आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊँगा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई विल स्पेंड द टाइम विथ माई फैमिली। टुडे आई विल स्पेंड द टाइम विथ माई फैमिली, दैट मीन्स आज मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है जचना। जचना, जैसे कि कोई अच्छा कपड़ा पहनता है तो बोलते हैं ना कि ये तुम पर अच्छा जच रहा है, तो इस प्रकार से जचना। जचना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सूट। सूट, सूट मीन्स जचना। जैसे कि काला रंग तुम पर जचता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक कलर सूट्स यू। ब्लैक कलर सूट्स यू, दैट मीन्स काला रंग तुम पर जचता है। नेक्स्ट वर्ड है रंगना। रंगना, रंगना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डाई। डाई, जैसे कि लड़कियां हो या फिर लड़के अपने बाल को क्या करते हैं, रंगते हैं, तो रंगना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाई। जैसे कि वह हमेशा अपने बालों को रंगता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज डाइज हिज हेयर। ही ऑलवेज डाइज हिज हेयर, दैट मीन्स वह हमेशा अपने बालों को रंगता है। नेक्स्ट वर्ड है हाहाकार। हाहाकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे आउटक्राई। आउटक्राई मीन्स हाहाकार। जैसे कि वहाँ हाहाकार मचा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज एन आउटक्राई। देयर वॉज एन आउटक्राई, दैट मीन्स वहाँ हाहाकार मचा था। नेक्स्ट वर्ड है खर्चा करना। खर्चा करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेंड। स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्चा करना। जैसे कि मुझे अपने सारे पैसे खर्च करना पड़े, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू स्पेंड ऑल माई मनी। आई हैड टू स्पेंड ऑल माई मनी, दैट मीन्स मुझे अपने सारे पैसे खर्च करना पड़े। नेक्स्ट वर्ड है बहना। बहना, बहना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रन। रन, रन मीन्स बहना। जैसे कि पानी बह रहा है, तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे वाटर इज रनिंग। वाटर इज रनिंग मीन्स पानी बह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है झेलना। झेलना को हम इंग्लिश बोलेंगे टॉलरेट। टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स झेलना। जैसे कि मैं अब और नहीं झेल सकता, तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे आई कॉन्ट टॉलरेट एनी मोर। आई कॉन्ट टॉलरेट एनी मोर, दैट मीन्स मैं अब और नहीं झेल सकता। नेक्स्ट वर्ड है भूलना। भूलना, भूलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना। जैसे कि मैं उसका नंबर भूल गया, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट हिज नंबर।
आई फॉरगॉट हिज नंबर, दैट मीन्स मैं उसका नंबर भूल गया। नेक्स्ट वर्ड है निपटाना या फिर पूरा करना, किसी काम को पूरा कर लेना, तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स निपटाना या फिर पूरा करना। जैसे कि मुझे अपना काम कल तक निपटाना है, तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बाई टुमारो। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बाई टुमारो, दैट मीन्स मुझे अपना काम कल तक निपटाना है। नेक्स्ट वर्ड है घुमक्कड़। घुमक्कड़, घुमक्कड़ को हम इंग्लिश बोलेंगे वांडरर। वांडरर, वांडरर मीन्स घुमक्कड़। जैसे कि वह घुमक्कड़ है, तो उसे हम इंग्लिश बोलेंगे ही इज़ वांडरर। ही इज़ अ वांडरर, दैट मीन्स वह घुमक्कड़ है।